ऐसे लंबे हो जाओ। मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल से सभी मेरे युवा साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे यहां दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के बैच चल रहे हैं। ये हमारे एडवांस का ग्राउंड है, इसके अंदर सभी कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी आपका उनसे जो है परिचय कराता हूँ। अभी हमारे जो यहाँ पर देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं। अभी आपका क्या नाम है? लखपत मीणा। मीणा आप कहाँ से? सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर कितने दिन हो गए आपको? 7 दिन हो गए। 7 दिन में क्या क्या सीख लिया? बस नहीं सीखी और सब सीख लिया। बस नहीं सीखा और सब कुछ सीख लिया। और सब में क्या क्या सीखा? एस मॉडल ट्रक, टाटा 407। कौन कौन से ऑप्टिकल? 8 में, H में, S में, 8 में और L, Z। तो चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह आप कहाँ से हो? सर जयपुर से हूँ मैं। जयपुर से कितने दिन हो गए आप? सर मेरे को 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन में आपने क्या क्या सीखा? सर मैंने पिकअप से L बनाना सीख लिया, स्कॉर्पियो से T बनाना सीख लिया, और टाटा 407 से T बनाना सीख लिया, S मॉडल से 8 बनाना सीख लिया। इसके अलावा सर टाटा 407 से H बना रहे हम। और आपको मतलब 5 दिन में आपको मतलब कितना चलाना सीख लिया? सर करीब करीब सब सीख लिया, यानी जो भी मेरी दिक्कतें आ रही थी गाड़ी चलाने में वो सब चीज़ें मैंने सीख लिया सर। चलो शाबाश। यहाँ के ट्रेनिंग स्टाफ के बारे में क्या बताओ? सर यहाँ का ट्रेनिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है और यहाँ से हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है सर। फुल सपोर्ट? हाँ सर। टाइम कितना मिल रहा है रेस्ट करने के लिए? सर टाइम रेस्ट करने का मिल रहा है नहीं, सिर्फ खाना खाने का टाइम मिलता है। इसके अलावा पूरे दिन हम 8 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं। यहाँ से पूरे दिन गाड़ी चलाते रहते हैं सर। गाड़ी चलाते रहते हो, थकते तो नहीं? सर थकान तो होती है लेकिन कुछ करना है इसलिए। चलो आपको नहाए कितने दिन हो? सर नहाए सर अभी 2 दिन हुए हैं सर। 2 दिन हुए हैं, कब नहाओगे? सर कल नहाएंगे। पानी नहीं मिलता या टाइम नहीं मिलता? सर टाइम नहीं मिलता, पानी की तो कोई कमी नहीं है सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? अनुराग शर्मा। अनुराग आप मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता चला अभिनव के बारे में? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे कहाँ के रहने वाले? जयपुर बस्सी। अनुराग क्या हो जाट? शर्मा। अनुराग शर्मा, तो आपने जैसा YouTube पर देखा वैसा मिला यार? नहीं बिल्कुल पूरा YouTube से पता चला। अभी कौन कौन सी गाड़ी चला ली आपने? लगभग सब चला ली, बस को छोड़कर। बस को छोड़कर दिन भर ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? पूरा मजा आ रहा है। दिल से बोल रहा है या ऐसे? नहीं दिल से ही बोल रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? नाहर सिंह। सर नाहर आप कहाँ से हो? मैं सर भरतपुर से हूँ। भरतपुर से। तो नाहर सिंह आपने कितने दिन हो गए? मुझे 7 दिन हो गए सर। 7 दिन में कौन कौन सी गाड़ी चलाई आपने? सात दिन बस को छोड़कर सारी गाड़ी चला ली सर। तो आप यहाँ का ट्रेनिंग का जो ये हरीश जी हैं, जो है हमारे मैकेनिक हरीश जी, जो है लगे हुए हैं, बेचारे गाड़ी ख़राब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए आए। ठीक है, चलो शाबाश। आप बताओ ट्रेनिंग के बारे में बताओ। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है सर यहाँ। शेड्यूल क्या है ट्रेनिंग का? वो सर शेड्यूल बहुत अच्छा है सर। हाँ यार, मतलब पर डे अलग अलग गाड़ी पर ऑप्टिकल चेंज होते हैं? हाँ सर पर डे अलग अलग गाड़ी पर ऑप्टिकल चेंज होते हैं सर। चलो शाबाश। आपका क्या नाम है? परविंदर नाम है। परविंदर आप कहाँ से? रेवाड़ी से। रेवाड़ी। परविंदर आपको कैसे पता चला अभिनव के बारे में? मुझे यूट्यूब से पता लगा और मेरा बड़ा भैया यहाँ से करके गया था, उसके जाने के वो गया उसी दिन में यहाँ पे आ गया था। तो भैया कौन सी भर्ती के लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। तो भैया ने क्या बताया आपको? बहुत अच्छा बताया, बोल रहे बिल्कुल अच्छा करवाते हैं, पूरा टाइम देते हैं गाड़ी के बारे में, और जैसा भैया ने बताया था वैसा ही मिल रहा है मुझे। नहीं मिला। आपका सगा भाई है? मामा जी का लड़का। मामा जी का लड़का, उसने आपको बताया कि वहाँ चले जाओ? फिर आपको भाई ऐसा तो नहीं लगा भाई बोल रहा है यार जाऊँ ना जाऊँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले ही सोच रहा था और भैया यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं भैया का देखते हैं पहले कैसा बताते हैं, फिर उन्होंने अच्छा बताया तो हम आ गए। मतलब आपको आपके भैया करके गए, उन्होंने अच्छा बताया तब आए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हम क्या है कि हमारे जो अभिनव ड्राइविंग स्कूल में पिछले 10 साल से हम ड्राइवरी की तैयारी कराते हैं, तो हमारे पास जो जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग करके चला गया वो है। साफ बात मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई प्रचार का माध्यम नहीं है।
प्रचार का माध्यम ये सब जो मेरे युवा साथी जो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल जाती है, इनके सपने पूरे हो जाते हैं, तो इनसे बड़ा प्रचार कोई नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, प्रोडक्ट का प्रचार मत करो, प्रोडक्ट को आप तैयार करो और जो उसको लेने वाला जो है वो बाई प्रोडक्ट बता देगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। यानी आप इतनी मेहनत करो अपने किसी काम में, इतनी सतर्कता और इतने लीन हो जाओ कि लोग आपकी चर्चा करने लग जाए। इसी मुकाम पे और इसी काम पे हमारी अभिनव ड्राइविंग स्कूल की टीम जो है लगी रहती है। अभी मैं अगले युवा साथी से बात करता हूँ। आपका क्या नाम? सुनील कुमार। सुनील, आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। ये जो है अभिनव ड्राइविंग स्कूल का कार्ड है, ये कार्ड आपको और भी कहीं पर भी, जैसे अभी ड्राइवर की भर्ती निकल गई, किराए की गाड़ियां लेकर हर जगह कार्ड गड़ में लटका दिया, ये कार्ड गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल का कार्ड है। ये कार्ड जो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और हम बच्चे को सर्टिफिकेट देते हैं, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल की सर्टिफिकेट देते हैं ऑलरेडी अभिनव की, और आप उसको गूगल पे या उस पर सर्च भी कर सकते हो। तो ये जब भी बच्चे के पास ये कार्ड रहेगा वो कभी भी जो है इसकी आके अपनी जो है तैयारी कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो आप कैसे आए यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आपको कैसे पता चला अभिनव? मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला। यूट्यूब से माध्यम से पता चला, वैसा ही मिला या अलग मिला? नहीं, उससे काफ़ी अच्छा मिला, उसके उस माध्यम से पता चला, उससे अच्छा है। आपने क्या क्या सीखा है? मैंने यहाँ पे सारे ऑप्टिकल सीख लिए और सब मेरे को अच्छे से आते हैं। जो आपके जो दिल्ली पुलिस में जितने जो साथी जो पास हो रखे हैं उनको क्या बताना चाहते हो कि ट्रेनिंग एक्चुअली लेनी कहाँ से? मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच के आओगे ना, तो यहाँ का स्टाफ और यहाँ का जो ट्रेनर है ना वो इतने एडवांस है कि वो बंदे की फीलिंग देख के पता लगा लेते हैं कि उसको किस हिसाब से ट्रेन करना है, चाहे वो कितना एडवांस हो चाहे कितना ही वीक हो। लेकिन इसके स्टाफ में यहाँ पे इतनी खूबी है कि वो स्टाफ देखते ही पता लगा लेंगे उसको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, ये इतना एडवांस नॉलेज है यहाँ के ट्रेनिंग स्टाफ को। क्योंकि ये एडवांस ट्रेनिंग स्टाफ को ऐसे नॉलेज है कि दोस्तों कोई भी इंसान एक ही काम में लगा रहता है तो उसको पता चल जाता है। जब हमारे यहाँ पर जब पहली बार स्टूडेंट पैर रखता है, पैर रखने के बाद जब हम उसकी एक्टिविटी से ही पकड़ लेते हैं कि इसको किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए और इसको कितनी जानकारी है, कितने दिन में ये जो है इस चीज़ को पकड़ लेता है, कौन से व्हीकल पे इसको जो है पहले ट्रेन करना चाहिए, उसी हिसाब से जो हम तैयार करते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपने आप में एक महारत हासिल होती है, अभिनव ड्राइविंग स्कूल के स्टाफ को और हमारे को आज पूरे देश में महारत हासिल इस चीज़ की है कि कोई भी बंदा यदि ड्राइवरी टेस्ट बचा है किसी भर्ती का उसकी और वो ड्राइवरी टेस्ट पास करना चाहता है, हमारे पास आ गया तो वो बच्चा फेल नहीं हो सकता। ये सब मेरे युवा साथी हैं, ये दिल से बोल रहे हैं और आज से नहीं कई बार से जो है बच्चे बोलते हैं। तो आज आप यदि तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो बेस्ट स्टाफ है, हमारा अलग अलग स्टेप होती हैं हमारे यहाँ पे, अलग बेसिक सिखाने के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है, एडवांस में सिर्फ बच्चे को हम इतना फ्रीडम छोड़ देते हैं कि वो स्वतः अपने आप ग्रुप के अंदर में गाड़ी चलाए और दिन भर हर ट्रायल में जो है पास हो। तो इसीलिए हमारी एक स्टेप वाइज जो है ट्रेनिंग है और इस चीज़ को हम मैनेज करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कोविड के समय में जब ड्राइवर की भर्ती नहीं भी आई थी, उसमें कम से कम 5 या 6 महीने का जो है गैप था। उस गैप में मैंने खुद अपने स्टाफ को रिफ्रेशर करवाया, उनको खुद जो है और समय समय पर जब समय मिलता है तो मैं खुद उनकी क्लास लेकर उस स्टाफ को भी ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से और बेहतर करने के लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपका क्या नाम है? प्रदीप यादव। प्रदीप, आप कहाँ से हो? महेंद्रगढ़ हरियाणा। महेंद्रगढ़ हरियाणा, तो आपको कितने दिन हो गए? मेरे को 6 दिन आज। हाँ, यहाँ की ट्रेनिंग कैसी है? बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है। बहुत। हॉस्टल में रहते हो या अप डाउन करते हो? हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल में हॉस्टल की व्यवस्था कैसी? अच्छी है, दोनों जगह की? दोनों जगह। वहाँ थोड़ा बहुत मतलब बच्चे आते हैं तो उनको फिर यहाँ लेके आते हैं। यहाँ जो अपना सेकंड ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ का हॉस्टल कैसा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। दी बेस्ट। हाँ, दी बेस्ट है। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम? सर नवीन कुमार। नवीन, आप कहाँ से? सर जयपुर से हूँ मैं। जयपुर से ही हो? ये पूरा जयपुर का ग्रुप है, एक साथ तो नहीं थे? नहीं सर, एक साथ थे, तीन भाई एक साथ है। तीनों कौन कौन? हम एक ही गाँव के हैं सर। एक ही गाँव के? एक गाँव के। कौन से गाँव के हो? सर हमारा गाँव बोराज, दूधू तहसील में पड़ता है। आप नंबर में आपसे नहीं पूछ सकता क्योंकि मैं यूट्यूब पे किसी भाई की नंबर नहीं बताता, क्यों? नंबर एक पर्सनल होते हैं आदमी के कि मेरे कितने नंबर हैं क्या है। तो आप एक ही गांव से होती हैं और एक ही साथ में जो है ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो आपको तीनों एक साथ ही आए। आप तीनों में से किसने बताया कि वहाँ चलना चाहिए? सर
हम तीनों ने ही यूट्यूब से एक दूसरे से बात करी, यूट्यूब के माध्यम से हमको पता लगा और हम तीनों ने एक दूसरे से बात करी और बताया कि मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट है और चलना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में यूट्यूब से बेटर मिला है सर हमको, जो भी देखा है वो सब कुछ यूट्यूब से बेहतर ही है, बेहतर मिला है। तो अभी आप की यहाँ ट्रेनिंग लेने के आप 15 दिन पहले आए थे और आज 7 दिन में आपको कैसा लगा यार? सर 7 दिन में मतलब पहले गाड़ी चलाते थे वो एक ऐसे तरीके से चलाते थे, मतलब गाड़ी चलाना आता था लेकिन ऑप्टिकल्स में गाड़ी नहीं चलाई थी। ऑप्टिकल्स में चलाने के बाद में विश्वास हो गया कि अब गाड़ी और भी ढंग से चलाएंगे और शायद दिल्ली पुलिस पूर्णतया पास करके निकले। चलो सवा सबर जोर से ताड़ियाँ बजाओ, ये विश्वास होता है और आप भगवान यहाँ पर आए हो तो आपको उस मुकाम तक जरूर पहुँचाएगा। ड्राइवरी में हम आपको फेल नहीं होने देंगे, ठीक है? आपका क्या नाम? विकास कुमार। विकास, आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, मिट्टी तो नहीं लग रही? नहीं सर। है? नहीं सर। कहाँ के रहने वाले? मैं सर हरियाणा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। फतेहाबाद, यस सर। तो आप कितने दिन हो गए? आज 6th डे सर। 6 days? हाँ सर। आज लग रहा चेहरा एकदम खिला खिला नाया है क्या? हाँ सर, दोपहर में नाया हो? हाँ सर। आप दाढ़ी के क्या लगाया? कुछ नहीं सर, ऑयल। मिट्टी तो खूब लगती होगी दाढ़ी के? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, क्योंकि ग्राउंड में रहते हैं। हाँ ये तो है सर, लगती है सर। बढ़िया, यहाँ ट्रेनिंग कैसी? बिल्कुल सर, जैस जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा हो रहा है, मतलब फुल टाइम मिल रहा है सर। ठीक है, मजा आ रहा? बिल्कुल सर। सभी मेरे साथियों को जो है मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल के परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से जय हिंद जय भारत।